हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। स्वागत आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है कि 01 वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम ये बाइनरी कोडिंग वाले हैं, ये चीज स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके अंदर लॉजिक गेट्स करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि जो पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो लॉजिक गेट पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये इसका बेसिक है। तो लॉजिक गेट के अंदर स्टूडेंट, लॉजिक गेट होते क्या है, सबसे पहले आपको मैं ये बता देता हूं कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन। तो कहीं द डिजिटल सर्किट विच वर्क्स एट सम स्पेशल ऑपरेशन। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, डिजिटल सर्किट होते हैं जो वर्क करते हैं कुछ स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, जिनका ऑपरेशन जो डिसाइड किया गया है, जिस तरीके से उनका सर्किट बनाया गया है उसी के लिए वो वर्क करेंगे स्टूडेंट। तो इसके अंदर जो तीन बेसिक होते हैं लॉजिक गेट के अंदर गेट्स, उनके देखते हैं पहले। थ्री टाइप के होते हैं बेसिक, अगर हम यहां पे लिखता हूं मैं बेसिक गेट्स की बात करें तो वो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया और गेट, दूसरा एंड गेट, और तीसरा वो है नॉट गेट। ठीक है स्टूडेंट, और इनके अलावा जो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो गेट्स होते हैं नैंड, नोर, और इसके अलावा एक्सोर। ठीक है, और ये होते हैं इसके अलावा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो गेट है इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो आज हम सिर्फ और गेट की स्टडी करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, और गेट के अंदर हम करेंगे क्या, इसकी डेफिनेशंस करेंगे, फिर उसके बाद में हम इसका सर्किट डायग्राम करेंगे, उसके बाद ट्रुथ टेबल करेंगे, सिंबल करेंगे उसके बाद में हम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज हम और गेट के लिए आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को अपने, जो है और गेट। और लास्ट के अंदर मैं आपको एंड गेट की, और गेट की, जितने भी ये गेट्स करवाऊंगा उन सब की एप्लीकेशंस बताऊंगा, ताकि आपको यह पता चले कि ये गेट हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज कहां पे करते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे और गेट। ठीक है स्टूडेंट, और गेट का ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब ये क्या वर्क करता है। इसका वर्क होता है स्टूडेंट एडिशन का। ठीक है, जहां पे भी हम इनपुट देके जो आउटपुट है उसमें एडिशन कराना चाहते हैं उसके लिए हम और गेट का यूज करते हैं। मतलब अपने पास में मान लो दो इनपुट है, इफ वी हैव टू इनपुट, हम मान लेते हैं लेट ए एंड बी, तो जो आउटपुट होगी देन आउटपुट विल बी सम ऑफ इनपुट। दैट इज, अगर हम आउटपुट को y मानते हैं स्टूडेंट, तो जो y है वो इक्वल किसके होगा, a प्लस में b के। और ये क्या है, ये हमारे पास में बुलन एक्सप्रेशन आ गई, बुलन एक्सप्रेशन फॉर और गेट। ठीक है स्टूडेंट, और का मतलब एडिशन हो रहा है। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं, तो उससे आपको ना अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसका ऑपरेशन क्या होता है।
तो मैं ये जो बुलन एक्सप्रेशन है ये एक तरफ साइड में लिख देता हूँ, देखिएगा कैसे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए प्लस में बी पे, ठीक है स्टूडेंट। और ट्रुथ टेबल जो है वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो कैसे बनेगी, सबसे पहले एक चीज देखिएगा, यहाँ पे मैंने इनपुट कितने लिए, टू लिए, अगर इनपुट टू है तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो होगी 2 की पावर 2, यहाँ पे इनपुट लिखी जाती है। अगर ये 3 होती तो ये 8 बनते, कैसे इसकी कितनी तरीके से आउटपुट बन सकती है, तो यहाँ पे आउटपुट जो है वो 2 की पावर 2, क्योंकि दो इनपुट है इसलिए 4 केसेस बनेंगे, तो हमें 4 केसेस बनाने हैं इसके, देखिए वो 4 केस कौन कौन से बनेंगे, ए बी और यहां पे मैं बनाता हूं आउटपुट के लिए वाई। तो 4 के लिए हमें पता है कि इनपुट क्या होगी, 0 या 1 होगी, ठीक है, तो या तो वो दोनों 0 होंगे या 1 0 होगा, ठीक है, या ये 0 होके ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और या कौन से होंगे, दोनों 1 1 हो जाएंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट इसका ऑपरेशन है कि ये क्या करता है, एडिशन करता है, तो हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, 0 0 का एडिशन हमें 0 देगा, 0 और 1 का एडिशन 1 देगा, 1 0 का एडिशन 1 देगा और 1 1 का एडिशन भी 1 देगा, 1 जो है वो कैरी के अंदर चला जाएगा। तो स्टूडेंट हमें इससे यह पता चला कि अगर 1 भी हमारे पास में 1 होता है तो हमारे पास में आउटपुट क्या होगी, 1 होगी, मतलब कि ए या बी जो है इनपुट दो, उन दोनों इनपुट्स में से हमारे पास में 1 भी अगर 1 हो गई तो हमारे पास में आउटपुट 1 मिलेगी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हो गई। एक चीज आपको और बता दूं स्टूडेंट, बहुत सी बार जो एग्जामिनर होता है जब हमारे लैब के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फाइनल एग्जाम के, तब वो आते हैं तो वो अक्सर पूछ लेते हैं कि इनको ट्रुथ टेबल अक्सर होती क्या है, तो ट्रुथ टेबल और कुछ नहीं होती, ट्रुथ टेबल एक टेबल होती है जो हमें जो डिजिटल इसका सर्किट होता है, जो इसका ऑपरेशन होता है बुलियन एक्सप्रेशन, उसको टेबल की फॉर्म में शो करती है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें भी क्या है एडिशन है, इसमें भी क्या है एडिशन है, तो सिर्फ इसको ही टेबल के रूप में क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है, तो ये होगी ट्रुथ टेबल। और इसका सिंबल देखते हैं ओर गेट का, सिंबल फॉर ओर गेट, तो क्या होता है स्टूडेंट, दो इनपुट के लिए बनाऊंगा मैं ऐसे करके और यहां पे ऐसा, दो इसकी इनपुट हो जाएगी, कौन सी, ए और बी, और यहां पे हमें आउटपुट मिलेगी वाई जो इक्वल किसके होगी, ए प्लस बी की, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका सिंबल हो गया ओर गेट का। अब हम जो ओर गेट है उसके लिए दो सर्किट होते हैं वो देखते हैं, एक तो होता है इसका एनालॉग सर्किट और दूसरा होता है वो होता है इसका डायोड सर्किट, वो कई बार एग्जाम में आ जाता है फाइनल के, तो उसके लिए देखते हैं, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं। सबसे पहले हम इसका डायोड सर्किट देखते हैं, डायोड सर्किट फॉर ओर गेट। डायोड सर्किट के अंदर हम जैसा ये इसके नाम से ही पता चल रहा है डायोड यूज करेंगे, तो डायोड कैसे होगी देखिएगा, यहां पे बनाते हैं, दो डायोड यूज करनी है क्योंकि दो इनपुट है, ठीक है, और दूसरी हमने यहां पे यूज कर ली, और उसके बाद में यहां पे मैं और बना देता हूं गेट, थोड़ा सा यूं लगे कि हाँ हम और गेट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। और फाइनली हमारे पास में एक आउटपुट वाई मिलती है जो ए प्लस
बी के इक्वल होगी यहां से यहां पे ए और यहां पे बी, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, इनपुट देंगे हम तो यहां पे बैटरी कनेक्ट हो जाएगी इसकी। अब ये वाला है वो ग्राउंडेड है, इसलिए जीरो वाला पोर्शन है और ये वाला वन वाला पोर्शन है। वन मतलब उस साइड से हम जो करंट है, जो इसके अंदर वोल्टेज है वो दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, और यहाँ पे है वो ग्राउंडेड है, इसलिए वो जीरो से शो किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा ताकि थोड़ा सा ये सही लगे, अदरवाइज ये थोड़ा सा एग्जामिनर को क्या है कि सही नहीं लगता, काफी बार वो उसको गलत बोल देते हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि ये थोड़ा सा इस तरीके से बनना चाहिए कि यहाँ पे आप कनेक्ट कर दीजिए और उसके बाद में आप इसको आगे ले जाइए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया इसका डायोड सर्किट फॉर ओर गेट, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद में हम इसका जो लास्ट मैंने आपको बताया है वो सर्किट करते हैं, उससे आपको जो ये ओर गेट है वो अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए कौन सा करना है अपने को, एनालॉग सर्किट, ठीक है स्टूडेंट, एनालॉग सर्किट फॉर ओर गेट। तो इसके अंदर क्या है देखिएगा, यहां से शुरू करते हैं इसको, एक पोर्शन अपने को इस साइड ले जाना है, और दूसरा जो है वो इस साइड लेके जाना है, यहां पे जो एलईडी है वो कनेक्ट कर देंगे और यहां पे बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। इस तरफ से क्या है वन है, इस तरफ से जीरो है, और ये क्या है एलईडी है जो शो करेगी कि आउटपुट मिल रही है या नहीं मिल रही। और इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और यहां पे जो आएगा आउटपुट वो वाई इक्वल टू ए प्लस बी होगी। अब देखिए स्टूडेंट आपको और गेट अच्छे से समझ आ जाएगा, जैसे इसकी ट्रुथ टेबल देखिए, पहले अगर दोनों जीरो है तो हमारे पास में क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। दोनों जीरो का मतलब यहां पे भी ओपन सर्किट है, यहां पे भी ओपन सर्किट है। अगर दोनों तरफ ओपन सर्किट है तो करंट अगर हम यहां से दे रहे हैं तो वो करंट आगे जाएगा ही नहीं, अगर करंट आगे जाएगा ही नहीं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो आउटपुट क्या है हमारी, जीरो है। उसके बाद में अगर यहां देखिएगा सेकंड, एक ए को क्या ले लिया हमने, जीरो, बी को क्या ले लिया वन, ए हमारे पास में ओपन पड़ा है, बी हमारे पास में क्लोज हो गया, मतलब ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। और यहां पे हमारे पास में क्या होगा, देखिए अगर यहां से मैं दे रहा हूं इनपुट और ये करंट यहां से पास होके जा रहा है तो हमें आउटपुट मिलनी है, अगर आउटपुट मिलेगी तो जीरो और वन क्या देगा, हमें वन देगा, तो ये इसके अंदर है। सिमिलरली अगर इसको मैं जीरो बोल दूं, इसको वन ले लूं, फिर भी मेरे पास में वन आना है, और अगर मैं क्या करूं दोनों वन वन ले लूं, वन वन का मतलब क्या है सर्किट क्लोज है, करंट पास हो रहा है, तो अगर दोनों वन वन है फिर भी करंट पास होगा तो उसके लिए भी मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट वन ही मिलेगी। इसलिए ये जो एनालॉग सर्किट है ओर गेट का, वो ट्रुथ टेबल को अच्छे से हमें समझने में बहुत मदद करता है कि अगर एक भी हमारे पास में जो इनपुट है वो क्लोज हो जाता है सर्किट तो हमारे पास में आउटपुट मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका एनालॉग सर्किट हो गया ओर गेट का। अब इसके बाद में हम एप्लीकेशंस करते हैं, एप्लीकेशन किसकी, ओर गेट की, कि ये काम पे काम आता है हमें। तो इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर ओर गेट, तो स्टूडेंट जो एप्लीकेशन है ओर गेट की वो है थर्मल अलार्म में। कहते हैं कि जो दुनिया का सबसे बेस्ट अलार्म होता है वो एक थर्मल अलार्म है, क्योंकि वो कभी तोड़ा नहीं जा सकता, सबसे बेस्ट लॉक है। तो थर्मल अलार्म के अंदर ओर गेट यूज होता है स्टूडेंट, और वो कैसे होता है देखिएगा, जो इसकी एप्लीकेशन है वो है थर्मल
अलार्म में, या फिर इसको थर्मल लॉक भी बोल देते हैं, क्योंकि ये लॉक होता है तो जो टेम्परेचर होता है किसी का बॉडी का उस पे वर्क करता है। कैसे करता है वो देखिए, मान लीजिए हमारे पास में क्या है, एक रूम है और उस रूम में मैंने दो पार्ट कर दिए और उन पार्ट्स में एक मैंने जो सेंसर है वो यहां पे लगा रखा है, दूसरा सेंसर है मैंने यहां पे लगा रखा है। ये क्या है स्टूडेंट, सेंसर है, थर्मल सेंसर जो थर्मल चेंज को डिटेक्ट करेंगे, और यहां पे भी क्या है, थर्मल सेंसर है, थर्मल सेंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब थर्मल सेंसर है, मैंने क्या किया, इन दोनों से इनपुट ली और इन दोनों की इनपुट लेके और मैंने उसको क्या किया, यहां पे एक गेट बना रखा है, मैं और गेट बना देता हूं, ये और गेट है और इसकी मैंने इनपुट में दे दिया। मान लीजिए ये ए है ये बी है, तो ए और बी मैंने इसकी इनपुट में दे दिया और इसकी जो आउटपुट होगी, आउटपुट कौन सी, वाई, मैं कैपिटल से निरूपण कर देता हूं, आउटपुट को कैपिटल से ही करना चाहिए, वैसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती पर कैपिटल से करना चाहिए। फिर उसके बाद में ये आउटपुट है, इसको मैं क्या करता हूं, एक स्पीकर से जोड़ देता हूं, ये अलार्म है जो बजना है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसका नाम लिख देता हूं मैं, अलार्म स्पीकर। अब देखिए ये कैसे वर्क करता है, अगर मेरे पास में क्या है, मान लो ये रूम पहले खाली है, इसका टेम्परेचर कितना है, मान लो 25 डिग्री है। ठीक है, अब इसका 25 डिग्री रूम का टेम्परेचर है, अगर कोई इसके अंदर एंटर करता है रूम के अंदर, मान लो हम जाते हैं, मैं जाता हूं इसके अंदर, तो मेरा कोई जरूरी नहीं कि मेरा टेम्परेचर 25 ही होगा, इसका तो फिक्स 25 जो है वो रखा हुआ है पूरे टेम्परेचर का। अगर मेरा टेम्परेचर 25.1 भी है, 25.1 भी है अगर, तो क्या होगा कि ये इसके अंदर सेंसर जो है वो इसको डिटेक्ट कर लेंगे। मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे मैं खड़ा हो गया जाके, ठीक है, अगर मैं यहां पे खड़ा हो जाता हूं तो क्या होगा, देखिएगा ये जो सेंसर है ये क्या करेगा, इनपुट देगा कि हाँ टेम्परेचर में चेंज हुआ है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इधर वाला क्या होगा, 0, क्योंकि इस साइड तो कोई है नहीं, ये इस सेंसर की रेंज सिर्फ इधर तक ही है, यहां तक हाफ पार्ट तक, और इस सेंसर की जो ए सेंसर है उसकी जो रेंज है वो इतने पार्ट तक ही है, इसलिए क्या करेगा कि इसको तो पता ही नहीं चलेगा, तो इधर वाली इनपुट क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, पर क्या होगा, इन दोनों की जो एडिशन है ओर गेट लगाने के बाद में, ओर गेट का यूज देखिएगा कि जब मैंने ओर गेट का यहां पे यूज कर लिया तो क्या हुआ कि ये दोनों इनपुट को एड करेगा और आउटपुट क्या मिलेगी, हमें 1 मिलेगी, आउटपुट 1 होगी, अलार्म क्या है वो बज जाएगा, सायरन बज जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि रूम के अंदर कोई एंटर हुआ है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से अगर ये क्या है, यहां ना होके यहां है, ठीक है, अगर यहां पे है तो क्या होगा, ये 0 ये 1 और आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और अगर आउटपुट के अंदर 1 मिला है मतलब फिर अलार्म बजेगा। अगर दोनों साइड खड़े हैं कोई फिर भी क्या होगा, 1-1 इनपुट मिलेगी दोनों सेंसर से, और गेट क्या करेगा, उनका एडिशन करके 1 देगा, अलार्म बज जाएगा। और अगर क्या है, दोनों तरफ कोई नहीं है, दोनों तरफ कोई भी नहीं है, 0-0 आउटपुट क्या मिलेगी, 0, तो साइरन नहीं बजेगा। इसलिए स्टूडेंट जो थर्मल अलार्म है उसके अंदर ओर गेट का यूज करते हैं और ये इस तरीके से वर्क करता है जैसे मैंने आपको बताया। अब क्या है कि अगर कोई यहां पे नहीं खड़ा है ना तभी तक वो क्या है, अलार्म जो है वो बजेगा नहीं। अगर बाय चांस एक भी पार्ट्स के अंदर, इन दो पार्ट्स में एक भी पार्ट के अंदर किसी भी एक सेंसर की सीध में अगर क्या आ गया, कोई पर्सन आ जाता है, तो उससे क्या होगा, अलार्म बज जाएगा।
तो ये है स्टूडेंट इसकी सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जो आप एग्जाम में अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट।